जमारिया गाजीपुर क्षेत्र के ग्राम चक्का बांध स्थित राम जानकी मठ से प्रत्येक वर्ष की भांति रामनवमी के अवसर पर बुधवार को भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में दो रथों पर भगवान श्री राम, राम सी, माता सीता, भ्राता भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की भव्य झांकी निकाली गई। बड़ेश्वर मोड़ से स्टेशन बाजार की तरफ चली तो पुरुष व महिला श्रद्धालु पुष्प की वर्षा करने लगे तथा भव्य झांकी को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की काफी भीड़ जम गई। रात भक्त युवा डीजे की धुन पर नाचते गाते तथा प्रभु श्री राम की गगन भेदी जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। पूरा वातावरण राम भक्ति में सराबोर हो गया था। जगह जगह पर श्रद्धालु राम भक्तों का सेवा सत्कार करते रहे। यह शोभा यात्रा बरुइन मोड़ होते हुए ग्राम बरुइन स्थित काली माता के मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद समाप्त हुआ। उक्त मौके पर विश्व हिंदू परिषद गाजीपुर के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय व क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह, राकेश सिंह, मनीष सिंह, अभिमन्यु सिंह, अमित सुनील, सोनू बंटी आदि लोग मौजूद रहे। Yeah.
आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, इसके बारे में बताएं कुछ अध्यक्ष जी। ऐसा कि ये हर वर्ष एक ग्राम सभा की परंपरा रही है और ये पूरे जमनिया बाजार की कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि यहाँ पे जो बरुण गांव की काली माई वहाँ पर आकर समाप्त होती है। और इतनी लंबी शोभा यात्रा मेरे ख्याल से यही एक ऐसी जमनिया जगह है जहाँ पर निकाली जाती है। इतनी बड़ी इतनी लंबी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती है, बड़े उल्लास और हर्ष के साथ निकाली जाती है। मैं इस मौके पावन पर्व पे मैं सभी कमेटी बंधुओं का, तमाम जो कार्यकर्ता है उनका और जो भी जुलूस में और शोभा यात्रा में शामिल है उनका तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ, खासतौर से बरुण के प्रधान और बरुण के निवासी जो लोग जो इस कमेटी में रहे हैं और जो शोभा यात्रा निकालने का काम करते हैं, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस साल हर साल की बात इसे लगन उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकलती रहेगी। अजय जी एक सवाल और, आचार संहिता के बावजूद ये कैसे कर लेते हैं आप लोग तलवार और ये सब प्रदर्शन? देखिए ये जो आप कहना चाहते हैं हथियार का प्रदर्शन नहीं है, ये आचार संहिता, ये जो तलवार है और जो भाला है और ये जब हमारे देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र है, जब देवी देवताओं के साथ जब जुलूस निकलता है जब तो उसका अस्त्र शस्त्र तो निकलेगा ही, तो ये हथियार का प्रदर्शन ही ये उस प्रतीक उस शक्ति का प्रतीक है जो माँ भवानी और काली माँ और रामचंद्र जी अस्त्र धारण करते थे, उस शस्त्र को हम लेकर के ये दिखाते कि इनका ये अस्त्र शस्त्र है, उसका हम लोगों को प्रदर्शन किया, इसमें हथियार का कोई प्रदर्शन का मैटर है नहीं।